मल्टीपल्स और फैक्टर, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, इन सब वर्ड से रिलेट करता है। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी एक नंबर ले लेना है। जैसे हमने अभी ले लिया 2, और अब इस 2 को, 2 का मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीपल्स होता क्या है, मल्टीप्लीकेशन से रिलेट कर रहा था। तो फर्स्ट मल्टीपल मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 2, तो 2 को हमने मार्क कर लिया। आप चाहें तो वहां गोल सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार, इफ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 2, देन विल मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4। थर्ड मल्टीपल, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6। तो इसी तरह से आप जितना चाहें उतना मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपको टेबल पढ़ते जाना है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 18, सॉरी 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। और इस तरह से आप जहां तक चाहें वहां तक मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना? मान लीजिए अब हम आपको दे देते हैं एक यस नंबर 3 और कहते हैं इसका फिफ्थ मल्टीपल बताइए। तो फर्स्ट मल्टीपल होगा 3 वन जा 3, दूसरा मल्टीपल इसका क्या हो जाएगा, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 टू जा 6, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका थर्ड मल्टीपल मिल जाएगा। तो थर्ड मल्टीपल इसका क्या हो जाएगा, 9। बहुत अच्छे। अगर फोर्थ मल्टीपल पूछे तब, ट्वेल्व। वेरी गुड। और इसी तरह से अब आप एक एक करके बताएंगे हमें। हमें कौन बताएंगे अभी, रुकिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। आप लोगों को बतलाना है फोर्थ का मल्टीपल, फोर का सेकेंड मल्टीपल बताएंगे। सभी लोग नाम लिख दिए हैं ना अपने चैट बॉक्स में। सबसे पहले नाम आया है जिया लोहार का। हाँ, तो जिया आप बताएंगी कि फोर का सेकेंड मल्टीपल क्या होगा। फोर टू जाना। हाँ, 4 2 जा, बस सेकेंड मल्टीपल मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत इतना आसान है। 8। बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट आदिति बताएंगी फोर का फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा। यहां फिफ्थ मल्टीपल हमने शो नहीं किया है, आपको बतलाना है केवल फोर का फिफ्थ मल्टीपल। पांचवा मल्टीपल फोर का कितना होगा। तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हेलो हाँ बोलिए आदिति। सर, हाँ, घूमने चली गई थी क्या। अजीब पियानो की तरह रुक रुक के आवाज आती है, बहुत अजीब वाली। सर, हाँ वो कुछ, दोबारा क्वेश्चन बोलिए। सर, हाँ आप घूमने चली जाती हैं, घूमने नहीं जाना है। चलिए ठीक है, बताइए फोर का फिफ्थ मल्टी। नो प्रॉब्लम। अच्छा कोई बात नहीं, फोर का फिफ्थ मल्टीपल बताइए। पांचवा मल्टीपल फिफ्थ मल्टीपल। क्या? फोर का फिफ्थ मल्टीपल बताइए। हेलो, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ फोर चैट बॉक्स में देखिए। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ फोर। सेकंड सर। फिफ्थ मल्टी ऑफ फोर, 4 20 हो गया, सही है। नेक्स्ट बताएंगे केन बितो तालोम।
आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। कर लिए। अब आप बताइएगा 5 का मल्टीपल, ठीक है, 5 का थर्ड मल्टीपल कितना होगा? त्रिजा हाँ, वेरी गुड। 5 3 जा कितना हो रहा है? फिफ्टीन। हाँ, तो 5 का थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 15। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट मल्टीपल 5, सेकेंड 10 और थर्ड 15 हो गया। सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताएंगे पुपू कुली। पुपू कुली आप बताइए 5 का फिफ्थ मल्टीपल कितना होगा? फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5। पुपू नहीं, अभी रुकिए, थोड़ा सा टाइम देते हैं पुपू को। पुपू कुली बताएंगे, नहीं जुड़े हुए हैं क्या? डीजे नहीं है। हाँ चलिए, और कौन बता सकते हैं? अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, भी अपना नाम लिख दीजिएगा। राधे मुनि सर वो भी ज्वाइन कर ली हैं। हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं और मल्टीपल्स बहुत आसान है। फर्स्ट मल्टीपल अगर फाइंड आउट करना हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेकेंड मल्टीपल तो उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड मल्टीपल के लिए 3 से, फोर्थ मल्टीपल के लिए 4 से, फिफ्थ मल्टीपल के लिए 5 से। तो लगातार हम लोग केवल टेबल पढ़ते जाते हैं और मल्टीपल्स मिलते जाता है। तो अभी कौन हमें बताएंगे? हमने पूछा है व्हाट विल बी द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5। कितना फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5 चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं। डेट्स राइट आंसर, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5 विल बी 25। कैसे हो रहा है? तो हमने केवल 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि फिफ्थ मल्टीपल पूछा गया था। उसी तरह से अब स्क्रीन पर आप देखिए, मैं अब चेंज कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ 10 का मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए। तो 10 का फोर्थ मल्टीपल राधे गुनियो आप बताएंगी। राधे उन्हीं बताएंगे, तालो मांगा बता रहे हैं 25। वो तो सर मेरी आवाज की, तालो मांगा इजी, गुड। तो अभी राधे उन्हीं बताएंगी व्हाट विल बी द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 10। आप अगर नहीं सुन पा रहे हैं, किसी तरह की नेटवर्क इशू है, तो आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, सर, बोलिए। मैंने चैट बॉक्स में लिख दी है। हाँ आपका लिखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। पर राधे मैंने उन चैट बॉक्स मैं राधे उन्हीं से संपर्क कर रहा था, वो बताएंगी। हाँ 40, डेट्स गुड, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे हमें तालो मांगा, आप बताइएगा। चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए फोर्थ मल्टीपल अब आपको यहां मिल जाएगा। नाइन्थ 9 के लिए अभी हमने नंबर लिया 9, और 9 का और
सेवेंथ मल्टीपल बताना है. व्हाट विल बी द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ नाइन? आपका बात सुनाई नहीं दे रहा. मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आप रीज्वाइन कर लेंगे मीटिंग को, और नहीं तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में भी लिख रहा हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं. अभी हम लोग नाइन्थ मल्टीपल, नाइन का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो नाइन का सेवेंथ मल्टीपल कितना होगा? सेवेंथ मल्टीपल मतलब सेवन से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए सेवेंथ मल्टीपल सेवेंथ. हाँ जी सर, बोलिए. कोई और? चलिए ठीक है, बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं. सेवेंथ मल्टीपल ऑफ नाइन, आप स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं खुद से और देख सकते हैं. स्क्रीन बड़ी कैसे होगी? आप खुद से वहां, आप स्क्रीन को जूम करते हैं ना, उस तरह से जूम करने की कोशिश कीजिए, तो अपने आप बड़ा हो जाएगा और उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं. हो रहा है ना? हाँ. तो देखिए, पहला मल्टीपल हो गया एट और टेन के बीच में, मतलब नाइन. सेकेंड मल्टीपल एटीन. थर्ड मल्टीपल 26 एंड 28 के बीच में, 27. फोर्थ मल्टीपल 36. फिफ्थ मल्टीपल 45. नाइन फाइव जा 45, नाइन सिक्स आर 54, नाइन सेवन. नेटवर्क इशू है, वर्षा हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, स्क्रीन देखकर समझने की कोशिश करते हैं. और यहाँ नाइन सेवेंजा 63, 62 और 64 के बीच में है ना, इस नंबर को आप 63 कहिएगा. तो यह सेवेंथ मल्टीपल हो गया, देयरफॉर सेवेंथ मल्टीपल इज 63. शेरिलिन एंटीपी का भी सही आंसर है. या नहीं? बहुत अच्छे. तो इस तरह से आप मल्टीपल जब भी कहा जाए तो समझ लीजिए कि आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, जितना मल्टीपल कहा जाएगा उतनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. क्लियर है ना? समझ में आ जाएगा? समझ में आ गया? बना सकते हैं किसी भी तरह का अब क्वेश्चन रहेगा तो. गुड. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. तब थोड़ा सा देखते हैं फैक्टर के बारे में. फैक्टर क्या होता है? जिस नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके और कोई नंबर फाइंड आउट करते हैं वह उसका फैक्टर कहलाता है. थोड़ा सा फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझिए, वो तो डेफिनेशन हो जाएगा, हम लोग कोशिश करते हैं इसे समझने का. ध्यान से समझिएगा. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं अभी. स्क्रीन को उसी तरह आप रोटेट कर लीजिएगा, ओरिजेंटल मोड में रख लीजिएगा. अगर छोटा रहेगा स्क्रीन तो आप बड़ा कर सकते हैं खुद से. अविनाश यू आर टू लेट. आर्यन आप भी बहुत ज्यादा लेट हैं. चलिए थोड़ा टाइमली आया कीजिए. सपोज वी हैव अ नंबर सिक्स,
और लेट अस से 12। तो 12 का मल्टीपल कितना होगा? तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक 12 कोई भी सर्कल ले लेते हैं, डॉट ले लेते हैं, ठीक है। ये सभी को अगर हम लोग एक लाइन में रख दें, वन वन का बना दें, तो ये कितने बॉक्सेस बने, कितने डॉट्स बने, काउंट कीजिए इसे। आप चाहें तो स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। हाँ तो बताइए कितने ऐसे इसमें डॉट्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, काउंट कीजिए और बताइए। ट्वेल्व, तालो मांगा का आंसर आया 12, सेरिलिन इन लिपिका भी 6, 12, डेट्स राइट, गुड। नावम, इनका भी सही है, अविनाश अभी ज्वाइन कर रहे हैं फिर से, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही सही, वेरी गुड। तो इसे इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, वन को हम लोग अगर सभी को एक लाइन में रखा है, वन वन का ग्रुप बनाया है, तो 12 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 × 12 टाइम्स, वन को हमने 12 टाइम्स लिख दिया है, तो 1 और 12 व्हेन मल्टीप्लाई टुगेदर इट गिव्स अस 12, देयरफॉर 1 और 12 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12। 1 और 12 दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को मिल रहा है 12। तो जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें कोई थर्ड नंबर मिलता है, उन दोनों नंबर को, उस नंबर का फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग दो दो का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जब दो दो का ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप्स बन गए, यहां एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 नहीं, 24 हो गया क्या, टू का एक ग्रुप, दो को एक साथ रखिए, तो इन दोनों को मिलाकर 1 काउंट कीजिए, फिर इन दोनों को मिलाकर 1 काउंट कीजिए, तो यहां इन दोनों को मिलाकर हमने काउंट किया 1, इन दोनों का ग्रुप 1, तो 1, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने ग्रुप बने, 2 का 12 तो टोटल है, लेकिन ग्रुप कितना बना, हाँ ग्रुप बना 6, वेरी गुड। 2, 2 का जब हमने ग्रुप बनाना शुरू किया तो टोटल 6 ग्रुप्स बन गए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं और कि 12 इज इक्वल टू 2 × 6, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 मिलेगा, 6 से, तो 2 और 12 भी इन दोनों का, इस नंबर का सॉरी 12 का फैक्टर कहलाएगा। अच्छा 3 को अगर हम लोग देखें, डिवाइजर ले लें 3, तो क्या 3 के टेबल में 12 आता है, इक्वली हम लोग 3 का ग्रुप बना सकते हैं। देखिए यहां हमने 3, 3 का ग्रुप बनाया, तो एक ग्रुप बना, 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स 4 ग्रुप्स, मतलब 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है, कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 3, 4 जा 12, तो 3 और 4 भी इसका फैक्टर कहलाएगा, वेरी गुड। अब अगर 4 का टेबल में ढूंढें, 4 के टेबल में भी आता है ना 12, 4, 3 जा 12, वेरी गुड, तो हम लोग इसे 4 × 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 के टेबल में 12 आता है क्या, देखिए 5 का जब हमने ग्रुप बनाया तो 2 ग्रुप तो बना, हाँ नहीं लेकिन 2 बच गया एक्स्ट्रा, है ना, इसका मतलब 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो यह इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं,
सिक्स के टेबल में, हाँ सिक्स के टेबल में 12 आ जाएगा। कितने टाइम्स में आएगा? टू टाइम्स में, तो सिक्स टू जा 12, तो सिक्स और टू इसका फैक्टर कहलाएगा। मतलब जिसके टेबल में वह आ रहा है वह उसका फैक्टर। बस सेवन के टेबल में आएगा क्या? वाई, उन दो नंबर को जिसका मल्टीप्लीकेशन उस नंबर के बराबर होता है उसे फैक्टर कहा जाता है। वह डिवाइड हो गया है और डिवाइड होने के बाद वह फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा कि 12 था पहले, इस 12 को हमने ग्रुप बना लिया सिक्स सिक्स का, तो दो ग्रुप बने, तो हम लोग इसे लिख दिए सिक्स टू जा 12। तो ये सिक्स भी और टू भी, ये दोनों इसका फैक्टर कहलाएगा। उसी तरह सेवन के टेबल में नहीं आता है तो सेवन इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं हुआ। गुड। नेक्स्ट, एट के टेबल में नहीं आता है। देखिए एट का एक ग्रुप बना और बाकी चार कहाँ छोड़ देंगे उसको, ये तो ग्रुप बना ही नहीं, इसलिए यह भी इसका फैक्टर नहीं हुआ। नाइन के टेबल में भी नहीं आता है तो यह भी फैक्टर नहीं है। टेन के टेबल में नहीं आता है तो टेन भी फैक्टर नहीं है। इलेवन के टेबल में नहीं आता है तो इलेवन भी इसका फैक्टर नहीं है, जबकि ट्वेल्व के टेबल में तो आता है, इसलिए ट्वेल्व इसका एक फैक्टर हो गया। तो आप लोग अब सोचिए खुद से और बताइए कि सिक्स का फैक्टर कौन कौन होगा। सिक्स का कौन कौन, मतलब सिक्स किसके किसके टेबल में आता है वो आपको सोचना है और चैट बॉक्स में लिखना है। वन के टेबल में आता है तो वन उसका फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह लिख कर बताइए कि कौन कौन किसके किसके टेबल में सिक्स आता है। टू के टेबल में आया, सही है, सब एक ही साथ लिख दीजिए। वन के टेबल में भी तो आ रहा है तो वन भी लिख सकते हैं। वन के टेबल में आया, टू के टेबल में आ गया, सही है। थ्री के टेबल में आता है क्या? हाँ। फोर के टेबल में नहीं आता, फाइव के टेबल में नहीं आता, सिक्स के टेबल में आता है। तो टोटल वन टू थ्री एंड सिक्स, दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ सिक्स। सिक्स का चार फैक्टर हुआ, कौन कौन? वन टू थ्री एंड सिक्स। क्यों? क्योंकि वन के टेबल में भी आ रहा है, टू के टेबल में भी आ रहा है। टेबल में आने का मतलब क्या? उसके साथ हम लोग उसका ग्रुप बना सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार और देखिए, हम लोग एक नंबर लेते हैं एट। अब एट के बारे में बताइए आप कि एट किसके किसके टेबल में आएगा। नवाम रुना, सही है, बिल्कुल सही। वन के टेबल में आया, टू का टेबल में, फोर के टेबल में और एट के टेबल में, बहुत अच्छे। सेरेलिन एंगटीपी, एट के टेबल में एट नहीं आता क्या? आप एट को छोड़ दी हैं। अविनाश का सही है, और कोई बता पाए? जिस टेबल में भी आएगा सबका अपना अपना आंसर हो सकता है। आदिति, डेट्स राइट, वन टू फोर एंड एट। और सही है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। तब फिर वन और एट में आ रहा है, फिर उसी तरह टू एंड फोर में आ रहा है, थ्री में तो आता नहीं है, फोर के टेबल में आया और सीधा एट के टेबल में आया। अब हम लोग कोशिश करते हैं 15 का फैक्टर ढूंढने का।
चलिए फिफ्टीन का फैक्टर्स ढूंढिए, मतलब किसके किसके टेबल में फिफ्टीन आता है। वन तो रहेगा ही, वन सभी में आ रहा है। दागिंग या ही गुड, डेट्स गुड, आपका भी सही है। वन के टेबल में आया, और किसके टेबल में? वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन, अविनाश, डेट्स गुड। और देखते हैं किन्हीं का आंसर। तो इस तरह से आप, हाँ, टेन के टेबल में आ रहा है फिफ्टीन, क्या? नहीं, टेन के टेबल में तो फिफ्टीन नहीं आता। टेन का एक ग्रुप बनेगा और दूसरा फाइव बच जाएगा। वन थ्री फाइव फिफ्टीन, डेट्स राइट, वेरी गुड। वेरी नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं और बता सकते हैं हमें कि किसी भी नंबर का मल्टीपल्स और फैक्टर, फैक्टर नाबाम वन फाइव फिफ्टीन थ्री नहीं आ रहा है क्या आदिति? डेट्स गुड। नाबाम एक बार आप फिर से देखिए, नाबाम अरुणा के आईडी से, नाबाम ही नाम होंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, वन फाइव और फिफ्टीन आपने लिखा है। हाँ सर, फिफ्टीन आता है, गुड, दैट्स राइट। ठीक है, तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अब। दागंग याही फाइव थ्री वन एंड फिफ्टीन, वन एंड फिफ्टीन भी हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कुछ यूजेस देखेंगे और यह सीखेंगे कि एक साथ दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर है तब उसमें कॉमन मल्टीपल और कॉमन नाबाम ही नाम, डेट्स गुड, वन थ्री फाइव फिफ्टीन, तब एक साथ मिलाकर कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी को छोटे से रूप में कहते हैं हम लोग LCM और HCF। नाम सुने होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, LCM आता है, वेरी गुड। LCM आता है तब बहुत अच्छी बात। एचसीएम मेरे मेरे पापा ने अभी तक